ये बात है जब एक नौकर शहंशाह अकबर के आंगन में साफ सफाई कर रहा था और तभी शहंशाह के उठने का समय हो गया और उन्होंने उठते ही आंगन में वो नौकर का मुंह देख लिया। तब अकबर को लगा कि मैंने तो ये नौकर का मुंह देख लिया है तो अब मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा। तो ये सोचकर जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके थाली में वो छिपकली आके गिरती है। तो तब उनको ख्याल आ कि हाँ, मैंने वो नौकर का मुंह देख लिया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तब उसके बाद जो वो युद्ध करने जाते हैं तो वो युद्ध कैंसिल हो जाता है। तब उनको लगा कि अब तो ये नौकर को फांसी देनी चाहिए और ऐसा सोचकर वो नौकर के पास जाते हैं और उसे फांसी की सजा सुनाते हैं। और अकबर जाके सिपाहियों ने उसे फांसी की सजा देने के लिए गिरफ्तार कर लिया। तब बीरबल उनको मिले और बीरबल को सभी ये समस्या नौकर ने बताई। तो बीरबल ने युक्ति दी कि आप ऐसा कहिए अकबर जी को कि अकबर ने जब नौकर का मुंह देखा तो उनका पूरा नीति खराब गया, पर नौकर ने जब अकबर का मुंह देखा तो उसको फांसी की सजा सुनाई गई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गाइस, आपको हमेशा मुश्किलों के सामने से लड़ना चाहिए, उससे परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।